नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपका आपके और अपने YouTube चैनल मीरा नर्सरी राजस्थान अजमेर में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कट फ्लावर की कटिंग कैसे करें और इनको मार्केटिंग में कहाँ लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, पूरी पैकिंग बताते हैं आपको। लेकिन पैकिंग वही बता रहे हैं जो हमारे यहाँ पे लोकल में लेके जाते हैं, जो बाहर बेचते हैं उनकी पैकिंग अलग होती है। आज हम आपको बताएंगे कि लोकल मंडी में ले जाने के लिए पैकिंग कैसे करें। तो दोस्तों, ये देखिए, आज ये कटिंग हो रही है इसकी, ये देखिए। ये इस तरीके से दोस्तों कटिंग होती है इसकी। ये लगभग 1 से 1.5 फीट की डंडी इसकी रहनी चाहिए, तब मार्केट में अच्छा चलेगा। मतलब जितनी ज़्यादा लंबी डंडी होगी मार्केट में, उसको जितना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसकी पैकिंग भी कैसे करते हैं, इसको बांधते कैसे हैं ऐसा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइट स्टार की कटिंग भी चालू कर दी हमने, ये देखिए स्टिक के साथ ये हमने चालू कर दिए। वाइट स्टिक, वाइट स्टार, इसकी कटिंग हो रही है। इस तरह से कटिंग हो रही है और आगे हम आपको दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे करनी है इसकी। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से इसको बांध लिया है, ये देखिए, प्लास्टिक के डोरी से ये ऐसा बंच बनेगा इसका, ये देखिए ऐसा बंच बनेगा। और इसी तरह से हमने इसमें येलो वैरायटी में, येलो बटन में बनाया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी इस तरह से हो रही है, ये देखिए, ये भी इस तरह से बंडल बना लिए हैं इसके। अब हम आपको दिखाएंगे इसकी पैकिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमने सभी तरह का बंच बना लिए हैं, देखिए। अब इसकी पैकिंग चालू है, अभी इसमें पैकिंग करेंगे इसकी बॉक्स में। ये हमारे लोकल मार्केट में जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे ही लोकल पैकिंग ही कर रहे हैं। बाकी अगर दूर मार्केट में भेजना होता है तो इसकी प्रोफेशनल पैकिंग करनी पड़ती है, जैसे कि पन्नी वन्नी लगा के वैसे करनी पड़ती है। लेकिन लोकल मार्केट में तो क्या है, जाते ही काम में लेंगे वो, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही पैकिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये कार्टून में इसका रोल बना देंगे। अब टेप दीजिए, रुको, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में रोल बना देंगे इसका, ताकि मार्केट में ले जाने से ये टूटेंगे नहीं फूल, इसकी डंडी नहीं टूटेगी। जैसे टांगड़ा लगा रहा है, इससे ये होगा कि इसकी डंडी बिल्कुल सेफ रहेगी, फूल भी बिल्कुल सेफ रहेगा, मार्केट ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी धूप निकल आई है दोस्तों, तो थोड़ा
थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये पैकिंग हो चुकी है इसकी, अभी ये इसी तरह से मार्केट में जाएगा अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और देखिएगा बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। सफेद लाओ गाजर खाया जो हर बार दस घंटा लगा दियो इन्हें, लगा दियो मैं पाड़ ले हूं। धीरे धीरे खोचवा में रह जाओ तो अभी चीज आ गई तला वाग गयो फिर क्या ही चेकिंग यान करेगी भाई। लो रबड़ लगाओ जड़े मुड्डी।